जो बंगाल का पार्टीशन हो रहा था 1947 का उस वक्त का. सो जैसा कि हम जानते हैं कि जब पार्टीशन हुआ था इंडिया का शुरुआत में, तो दो पाकिस्तान बने थे, एक जो आज है और दूसरा जो बांग्लादेश है. तो उस वक्त का जो पाकिस्तान बन रहा था, जो आज बांग्लादेश है, उस वक्त की कहानी है. और सुरभि का जो रोल है फिल्म में बंगाल 1947 में, वो काफी सिंसियर है, काफी सीरियस है, किसी जगह पे रोमांटिक रोल भी दिखाया गया है. सुरभि फिल्म में जो है और सुरभि रियल लाइफ में जो है, वो कैसी है? दोनों में डिफरेंशिएशन अगर पूछा जाए तो. देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो शबरी है वो मेरी पर्सनालिटी का एक, जी शबरी का जो कैरेक्टर है वो मेरी पर्सनालिटी का एक पार्ट है. छत्तीसगढ़ की कौन सी मूवी आपकी आने वाली है? छत्तीसगढ़ या फिल्म चॉलीवुड जिसे हम कहते हैं. हाँ, तो अपकमिंग मूवी की अगर बात करें, जी आप अगर मेरे हाथ देखेंगे तो उसमें भी आलता लगा हुआ है. कल ही मैं अपनी फिल्म लाली की शूटिंग कंप्लीट करके आई हूं. ओके, बैक टू बैक काम चल ही रहे हैं. नमस्कार, जय जोहर, जय छत्तीसगढ़. स्वागत है आप सभी का बिलाई टाइम्स में. मेरा नाम खुश है और आपको बता दूं कि खुश होने की वजह यह है, लगातार हम आपको ऐसे एक्टर हीरोइंस हीरो हीरोइंस के बारे में दिखाते रहते हैं जो यहां से छत्तीसगढ़ से बाहर जाकर नाम कमाते हैं और जो फिल्में हैं उनके बारे में आपको डिटेल में बताते हैं. वैसे एक फिल्म आज हम आपके पास लेके आए हैं, बंगाल 1947, जिनकी लीड एक्ट्रेस हमारे साथ में है. सुरभि जी, नमस्कार, आपका स्वागत है बिलाई टाइम्स में. कैसे हैं आप? सबसे पहला सवाल यही रहेगा. सबसे पहले तो नमस्कार और जय जवाहर आप सभी को. मैं बहुत अच्छी हूँ और बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी फिल्म रिलीज होने वाली हाँ, है. वो खैर आपके मुस्कुराहट पे वो चीजें झलक रही है. 29 मार्च को रिलीज होगी फिल्म. फिल्म के बारे में अगर बात करें तो किस बेस में, क्योंकि नाम से तो समझ आ रहा है कि फिल्म किसके ऊपर होगी, बट एज आपने काम किया है लीड एक्ट्रेस के, उसमें तो क्या पूरी स्टोरी है अगर अभी जो बताया जा सकता है फिल्म रिलीज के पहले वो बता दीजिए. तो ऐसा है कि ये बेस्ड है जो बंगाल का पार्टीशन हो रहा था 1947 का उस वक्त का. सो जैसा कि हम जानते हैं कि जब पार्टीशन हुआ था इंडिया का शुरुआत में, तो दो पाकिस्तान बने थे, एक जो आज है और दूसरा जो बांग्लादेश है. तो उस वक्त का जो पाकिस्तान बन रहा था, जो आज बांग्लादेश है, उस वक्त की कहानी है. और ये सेंट्रली फोकस्ड है ऑन द लास्ट विलेज ऑफ वेस्ट बंगाल जो कि हकीमपुर है. तो उसका पार्टीशन की वो इंडिया में रहेगा या वो पाकिस्तान में जाएगा, और जब हकीमपुर पे चल रही है पूरी फिल्म. जी जी बिल्कुल. और जब लोग माइग्रेट हो रहे थे तो क्या दुख मिले लोगों को, किस तरह से हुआ. एंड बट हम ये जो सारी चीजें, ये हमारा प्लॉट है फिल्म का, बट हम ये सब कुछ जो देखेंगे वो देखेंगे शबरी और मोहन की प्रेम कहानी के थ्रू. जी, जो ट्रेलर में हमने एक झलक देखी है. जी बिल्कुल. जी, फिल्म के बारे में अगर बात करें, मैं सुन पा रहा था आप लोग से डिस्कशन में अभी कि काफी सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो छत्तीसगढ़ के नामी कलाकार हैं. हाँ, वो भी हाँ, इस फिल्म में नजर आने वाले हैं. कौन कौन वो कलाकार हैं? जी बिल्कुल. तो एक तो हम सभी के प्यारे नत्था जी हैं जिनका नाम है ओमकार दास मानिकपुरी. जी, जिनको देखते ही शायद हर एक छत्तीसगढ़ियों के अंदर खुशी की लहर आ जाती है. बिल्कुल बिल्कुल, वो है. और हम बहुत ही अभी फेमस हुआ था एक प्यारा सा बच्चा सहदेव. जी वो है जो इसने बचपन का प्यार गाना गाया था, बादशाह ने भी बुलाया था उसको. जी बिल्कुल, तो वो दोनों हैं और मैं. बिल्कुल, आप हैं. और यही सवाल अगला मेरा रहने वाला था क्योंकि भिलाई टाइम्स में शायद आपका पहला ये इंटरव्यू जाने वाला जी, है जी. तो भिलाई टाइम के दर्शक को बताइए कि सुरभि कौन है. जी, तो मेरा पूरा नाम है सुरभि कृष्ण श्रीवास्तव. ओके जी. और मैं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ. मैंने पूरी पढ़ाई वहीं की है अपनी, और वहीं से थिएटर शुरू किया था सृजन रंग यात्रा के साथ. एंड देन थिएटर करती रही, ऑडिशंस किए बहुत सारे और कुछ वर्कशॉप्स करती रही. देन 2022 के दिसंबर में ये फिल्म मिली एंड नाउ इट इज रिलीजिंग. बिल्कुल. और एक बात आपके बारे में और पता चला है मुझे कि राजनांदगांव से सीधा FTII का सफर भी आपका रहा है. जी, जी, उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि मेरे हिसाब से वहां पर एग्जाम्स होते हैं और हाँ, काफी प्रोसेस होता है वहाँ पढ़ना है अगर आपको एक्टिंग कोर्सेज करने के लिए, तो कैसा वो दौर रहा था? जी, सो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज द फुल फॉर्म ऑफ FTII. एंड मैं बता रही हूँ, इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स बिकॉज 11 बच्चे सिलेक्ट होते हैं पूरे इंडिया से. जी, एक सेशन में. जी, सो वी जस्ट हैव 11 सीट्स और उसका पहले एग्जाम होता है जिसका नाम है जेट. और पहले आपका प्री होगा जिसमें जीके जैसा कुछ रहेगा, फिल्मों से रिलेटेड भी रहता है बट वर्ल्ड जीके भी रहता है. एंड देन देयर इज अ रिटन टेस्ट. उसके बाद जब आप मेरिट लिस्ट में आते हैं, उसके बाद ऑडिशंस होते हैं. देन यू गेट अ इंटरव्यू, स्मॉल इंटरव्यू. देन यू गेट ओरिएंटेशन, वर्कशॉप्स होती हैं, और उसके बाद फिर एक इंटरव्यू होता है. सो ऐसा स्क्रूटनी होते होते
11 लोग। क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपसे अभी यहाँ बैठकर कि जितने नामी कलाकार जो FTII से निकलने के बाद आज दिग्गज कलाकार हैं, सुरभि भी बनने वाली है बहुत जल्द, और 1947 बंगाल ऐसी फिल्म आप कर रहे हैं तो वैसी ऑलरेडी आप बहुत हाई लेवल पे आ चुकी हैं। मैं मतलब अपने मैनिफेस्टेशंस कभी कम नहीं करती, तो मैं तो बोलूंगी कि ये तो होना ही चाहिए, मुझे बड़ा एक्टर बनना चाहिए। कौन कलाकार बड़ा नहीं होना चाहता, ये बात भी है। एक सवाल और रहेगा कि सुरभि का जो रोल है फिल्म में बंगाल 1947 में, वो काफी सिंसियर है, काफी सीरियस है, किसी जगह पे रोमांटिक रोल भी दिखाया गया है। सुरभि फिल्म में जो है और सुरभि रियल लाइफ में जो है वो कैसी है, दोनों में डिफरेंशिएशन अगर पूछा जाए तो? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो शबरी है वो मेरी पर्सनालिटी का एक शबरी का जो कैरेक्टर है वो मेरी पर्सनालिटी का एक पार्ट है। सो बस यही हुआ है फिल्म में कि मैंने जो शबरी जैसी चीज़ें नहीं है मुझ में उसे हटा दिया, जो मेरे अंदर शबरी जैसी चीज़ें थी उसे सामने रखा है। मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट करती हूँ एक्चुअली उस लड़की से, और जिस तरीके से वो, इवन दो लाइक शी इज़ इलिटरेट, शी डजंट नो मच थिंग्स, बट शी इज़ हेड स्ट्रॉन्ग, वो अपनी बातें रखना जानती है, वो अपने लिए खड़े होती है, अपनी कम्युनिटी के लिए खड़ी होती है। जी, तो वो चीज़ मुझे अपने से बहुत कनेक्टेड लगती है, क्योंकि हम जिस जगह से आते हैं, मैं राजनांदगांव से हूँ, मुझे काफ़ी एक अच्छी उम्र तक तो पता ही नहीं था कि FTII कुछ होता है। कभी अच्छी उम्र क्या होती है, डेफिनेशन ऑफ अच्छी उम्र? जैसे लोगों को ये सारी चीज़ें 12वीं के बाद लोग करना शुरू कर देते हैं, है ना। तो मैं तो जब सेकेंड ईयर में थी तब पहली बार नाटक शुरू किया, अच्छा, तो मुझे पता नहीं था कि यहाँ होता है थिएटर। एक समय आता है कि काश ये मुझे थोड़े दिन और पहले पता चल गया होता तो मैं और अच्छे अभी लेवल पे होती। ये तो नहीं लगता, अभी ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें कुछ सही रीज़न से ही हो रही है। भले ही मेरा FTII है, जल्दी नहीं हुआ, लेकिन अभी जिस वक्त में हुआ है वहाँ की जो एक्सरसाइजेज हैं वो इस तरीके की होती है, इतना अच्छा वो लोग पढ़ाते हैं। उन चीज़ों को ग्रास करने के लिए भी ना आपको एक तरह की समझ चाहिए, जो शायद धीरे धीरे थिएटर करके और कुछ काम करके अब शायद डेवलप हुई है मेरे अंदर। ये चीज़ बहुत पहले मिल जाती तो शायद नहीं बनता। बिल्कुल। FTII में अभी कोई बड़े एक्टर एक्ट्रेस आए हैं जिनसे मुलाकात हुई है? जी, तो हम आते रहते होंगे सेशन वगैरह लेने के लिए। हाँ, मतलब हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि जो लोग हम जिनको हम लेजेंड्स मानते हैं, जिनके जैसे हम बनना चाहते हैं, वो आके हमको पढ़ाते हैं। तो नसीरुद्दीन शाह सर जो है उनके साथ सेशंस हुए थे, विनय पाठक जी के साथ हुए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी शायद वहाँ से ही निकले। नहीं, वो NSD से हैं। NSD से, ओके। एक जॉय फर्नांडिस है जिनको हमने उसमें देखा था, चामुंडा का कैरेक्टर किया था उन्होंने, मेरे को फिल्म का नाम याद नहीं आ रहा एक्चुअली अभी। सो उनके साथ सेशंस होते हैं। तो ऐसे एक्टर्स जो बहुत वर्किंग हैं, जिन लोग अभी काम कर रहे हैं, थिएटर कर रहे हैं, फिल्में कर रहे हैं, उनसे सीखने को मिलता है, एंड इट इज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस, ग्रेट लर्निंग फॉर ऑल। बिल्कुल। इतनी बड़ी फिल्म आप करने जा रही हैं, होने वाली है रिलीज आपकी बंगाल 1947, आप छत्तीसगढ़ की बेटी हैं, राजनांदगांव की बेटी हैं, छत्तीसगढ़ की कौन सी मूवी आपकी आने वाली है, छत्तीसगढ़ या फिल्म चॉलीवुड जिसे हम कहते हैं? हाँ, तो अपकमिंग मूवी की अगर बात करें जी, आप अगर मेरे हाथ देखेंगे तो उसमें भी आलता लगा हुआ है। कल ही मैं अपनी फिल्म लाली की शूटिंग कम्प्लीट करके आई। ओके, बैक टू बैक काम चल ही रहे हैं। ये दोनों फिल्में मैंने FTII जाने से पहले ही कम्प्लीट कर ली थी। लाली का सेकेंड शेड्यूल बचा था तो अभी छुट्टी लेकर आई थी, तो कल वो कंप्लीट हो गया। एंड लाली एक माइथोलॉजिकल हॉरर फिल्म है जो कि बहुत जल्द रिलीज होने वाली है, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में ही है जी। और डायरेक्ट किया है उसे नीरज ग्वाल जी ने, एंड आई थिंक छत्तीसगढ़ी ऑडियंस को बहुत पसंद आएगी ये फिल्म। बिल्कुल। लास्ट में एक सवाल, ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे बंगाल 1947 को देखने के लिए, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा सुरभि की तरफ से? तो आप सभी को मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ जाइए और जाकर बंगाल 1947 देखिए। उसका नाम है अ सागा ऑफ लव एंड सेपरेशन। सो आपको जो पुरानी कहानियाँ हैं, जो पार्टीशन की कहानियाँ हैं, उसका एक स्वाद मिलेगा, साथ ही श्रृंगार रस की अद्भुत प्राप्ति होगी। और काफ़ी प्यारी लव स्टोरी है, और आपको अपने यहाँ के लोगों को देखने का मौका मिलेगा। हिस्ट्री से कनेक्ट होंगे आप अपने देश। हाँ, हिस्ट्री से कनेक्टेड होंगे। एंड सेकेंडली, ये फिल्म का 95% जो पोर्शन है वो शूट सब कुछ छत्तीसगढ़ में ही हुआ है। ओके। या सो वील गेट टू सी आर ओन लैंड, ठीक है, खैरागढ़ कवर्धा। जी, खैरागढ़ कवर्धा, पखनजोर ऐसा इलाका है जहाँ पे लाइफ में, मतलब वहाँ के लोगों ने पहली बार शूट देखा, वहाँ कोई जाता नहीं है शूट करने, तो आपको अपना ही ज्योग्राफी देखने मिलेगा, छत्तीसगढ़ को एक नए नजर से ना, आपको देखने को मिलेगा। लगता है कि यार ये तो वहाँ का लगा, ये अपने यहाँ का लगा। आपको अपने लोग देखने को मिलेंगे।
सो प्लीज़ जाइए, मेरी फिल्म देखिए, आपकी अपनी जगह की लड़की हूँ मैं, सो बहुत सारा प्यार दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल सुरभि जी, ये लगातार लोगों के सवाल, दर्शकों के सवाल रहते हैं, यार ये हीरोइंस को फिल्म कैसे मिलते होंगे, ये अप्रोच कैसे करते होंगे, ये लोग ऐसा करते हैं क्या है कि इनको फिल्म मिल जाती है, तो सुरभि जी को बंगाल 1947 कैसे मिली? जी तो मैं पहले तो आप सभी को ये बताना चाहूँगी कि मैं आज तक पहली बार कहीं अगर घर से निकली हूँ तो वो है पुणे। मैंने सारा काम राजनांदगांव में ही रहकर किया है, थोड़ी ट्रेनिंग की थी हीरा मानिकपुरी सर, चाहे वो थिएटर हो, एक्टिंग प्रैक्टिस हो, सारी चीज़ रहते हैं। हाँ तो सब कुछ, और ये फिल्म भी मुझे एक्चुअली घर से ही मैंने ऑडिशन बनाकर भेजा है, वैसे ही मिली है। मेरे एक परिचित हैं राहिल, उनके थ्रू मुझे पता चला था कि अच्छा ये ऑडिशंस हो रहे हैं, क्योंकि कई बार इन्फॉर्मेशन नहीं आ पाती है, तो इन्फॉर्मेशन आई, मैंने अपना ऑडिशन बनाकर भेजा, और इसके डायरेक्टर है आकाश आदित्य लामा जी, जो कि भिलाई में आई थिंक उन्होंने पढ़ाई की है, 5-7 साल यहाँ रहे हैं, उनकी फैमिली यहाँ रही है, और साथ ही इसके प्रोड्यूसर है कॉम्फर्ट प्रोडक्शंस एंड थिंक टैंक। तो सबके पास मेरा ऑडिशन गया, एंड जो भी उसका यूजुअल प्रोसेस होता है वो लोग उसके बाद अपनी स्क्रिप्ट्स वगैरह सेंड करते हैं, देन यू हैव टू री ऑडिशन। सो आई केप्ट ऑडिशनिंग इन माय होम ओनली, एंड या दे लाइक्ड इट एंड आई गॉट द फिल्म। पता कैसे चलता है कि आप सेलेक्ट हो गए? कॉल आता है, मेल आता है, लेटर जी, आता है? मुझे रात के 10:30 या 11 बजे कॉल आया था, और मैं बस सोने ही जा रही थी, मुझे लगा कोई स्कैम कर रहा है, मैं विश्वास ही नहीं कर पा रही थी। हाँ, क्योंकि ऑडिशंस भेजना और रिजेक्ट होना, ऑडिशंस है मतलब रिप्लाई नहीं आना, ये एक आदत हो गई थी, एंड देन आ गया रिप्लाई, एंड आई वाज लाइक आप कौन बोल रहे हैं? मैं उनसे 4 सवाल कर रही थी कि इज दैट अ रियल थिंग, सो कुछ वक्त लगा एक्सेप्ट करने में, बट या आई गॉट दैट। नींद नहीं आया होगा रात भर? हाँ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नींद नहीं आई थी, घर में बहुत खुशी का माहौल था, क्योंकि एक तो ये हिंदी फिल्म है, बॉलीवुड की फिल्म है, एंड मुझे एज अ लीड रोल, सो आई वाज रियली हैप्पी। 29 मार्च को ये फिल्म आने वाली है, बंगाल 1947। मूवी में क्या कुछ है, मूवी में क्या कुछ हुआ, सुरभि ने पूरी बातचीत आपको बताई है, और ये वीडियो, ये कंटेंट और फिल्म को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिएगा भिलाई टाइम के चैनल के साथ में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। नमस्कार।